कुर्मा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव की जो राह है वो धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही है, दो चरण के चुनाव हो गए, तीसरे चरण के चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है, कल इस पर वोटिंग होगी और उस वोटिंग के बाद ये तय होने लगेगा कि आधे से ज़्यादा सीटों पर चुनाव हो जाने के बाद कौन कितने पानी में है। लेकिन इसके साथ साथ कई बातें बिहार में चल रही हैं। बिहार में अब तक जो तीसरे राउंड का वोटिंग हो जाएगा उसके बाद लगभग 14 सीटों पर चुनाव हो चुका होगा, और 14 सीटों पर चुनाव होने के बाद एक बात तो साफ साफ नज़र आएगी कि इस 14 सीटों के चुनाव में कौन कितने पानी में है और किसकी क्या स्थिति है। इन सारी बातों में एक बात तो साफ नज़र आ रही है कि दोनों ही खेमे अपने अपने हिसाब से जो दावे कर रहे हैं उसमें बयानों के तीर भी चल रहे हैं। आपको बता दें कि पहले और दूसरे चरण के चुनाव के बाद नीतीश कुमार काफ़ी एग्रेसिव हुए, वहीं राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से आपने देखा होगा कि राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से बयान तो दिए जा रहे हैं, हमला तो किया जा रहा है, लेकिन नीतीश कुमार को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी और अन्य पर हमला किया जा रहा है। पहले और दूसरे राउंड के चुनाव में जिस तरह की बातें सामने देखने को आई उसमें भारतीय जनता पार्टी भी आश्चर्य में थी। नीतीश कुमार मोदी के मंच से बहुत सारी बातें कह रहे थे और ये भी कह रहे थे कि अब वो कहीं जाने वाले नहीं हैं, लेकिन इन सब बातों के साथ साथ एक चर्चा साथ साथ शुरू हो गई है कि नीतीश कुमार का ग्राफ नीचे आया है, जबकि सर्वे रिपोर्ट में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। दो तरह की बातें चर्चा में हैं, राजनीतिक गलियारे की बात करें या पत्रकारिता जगत में लगातार ये चर्चा हो रही है कि या तो क्लीन स्वीप होगा और नहीं तो इस बार NDA बैकफुट पर रहेगा। तेजस्वी यादव अकेले प्रचार चुनाव प्रचार में है और कई ऐसी बातें हैं जिसको लेकर के तेजस्वी यादव के साथ सिंपैथी भी है। पहली बात तो ये कि युवाओं के बीच में वो नौकरी को लेकर के काफ़ी प्रचार प्रसार कर रहे हैं और इसको लेकर के वो मुद्दा भी बनाए हुए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बीच में तेजस्वी यादव की तबीयत खराब होना और तबीयत खराब होने के बाद भी लगातार तेजस्वी यादव का चुनाव प्रचार में डटे रहना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार आमने सामने हैं। अब तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के आमने सामने होने का कितना फ़ायदा और क्या कुछ उठा पाएगी फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इसी बीच में आपको बता दें कि तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद के साथ साथ नीतीश कुमार जिस तरह के व्यवहार कर रहे हैं और जिस तरह की बातें कर रहे हैं वो काफ़ी चिंता में डाले हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के थिंक टैंक को। आपको बता दें कि नीतीश कुमार लगातार जिस तरह से हमलावर हैं लालू प्रसाद पर और तेजस्वी यादव पर, इसका कहीं उल्टा रिएक्शन न हो जाए इस बात को लेकर के अब शोध करना और मंथन करना भारतीय जनता पार्टी शुरू कर चुकी है। लगातार जिस तरह से लालू प्रसाद उनके परिवार को लेकर के और तेजस्वी यादव को लेकर के नीतीश कुमार हमला कर रहे हैं और उनके ऊपर राष्ट्रीय जनता दल बिल्कुल चुप बैठा हुआ है, बिल्कुल शांत बैठा हुआ है, ये सारी बातें कहीं ना कहीं एक तरफ इशारा ज़रूर कर रही है कि ये पूरी की पूरी कहानी कुछ अलग तरफ मोड़ ले रही है। जहां एक तरफ आपने देखा होगा कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच में जो बातें चल रही हैं वो एक अलग कहानी की तरफ मोड़ रही हैं, जिसका डर भारतीय जनता पार्टी को लगातार होता नज़र आ रहा है। इस बीच आपको बता दें कि तेजस्वी यादव के साथ जिस तरह से मुकेश सहनी एग्रेसिव हैं उसको लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी को ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसके पीछे की कहानी क्या है। इस एग्रेशन के पीछे नीतीश कुमार का एग्रेशन और महागठबंधन के नेताओं का एग्रेशन, कहीं ऐसा ना हो कि इसका रिएक्शन देखने को मिले और इसका उल्टा असर पड़ जाए। नीतीश कुमार के इस नए एग्रेशन और नई तरह से जिस तरह से वो लगातार हमला कर रहे हैं और बातें रख रहे हैं वो काफ़ी कड़वे भी हैं। अब इस कड़वे शब्दों का जवाब यदि महागठबंधन के तरफ से कड़वे शब्दों से नहीं मिल रहा है तो निश्चित रूप से एक चिंता तो होती है। इसी बीच में एक चर्चा शुरू हो चुकी है कि क्या नीतीश कुमार चुनाव के बाद कोई बड़ा फैसला फिर से लेने वाले हैं, क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन तीसरे राउंड के चुनाव के ठीक पहले नीतीश कुमार का ये एग्रेशन भारतीय जनता पार्टी को परेशान किए हुए है, क्या होने वाला है इस पर भारतीय जनता पार्टी मंथन कर रही है और इसके रिएक्शन का भी पता कर रही है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखे नहीं तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे को घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर मुफ्त में मिल जाए।
अगर रहुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।